हेलो गाइस, आज यहाँ पर हम देखेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो करेंगे जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी घाटी हैं? तो जम्मू कश्मीर में ये सारी हैं: मरखा घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी एंड शुरू घाटी। ठीक है, तो ये चार जो हैं मेन मेन घाटियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारी घाटियाँ हैं, आप देख रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में घाटियाँ जो हैं वो लाइन से देख लेते हैं: चुंबी घाटी, कांगड़ा घाटी। कांगड़ा एक प्लेस भी है हिमाचल प्रदेश में, लोग वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है। लाहुल घाटी, मालना घाटी, स्पति घाटी एंड पागी घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी भी है, कुल्लू भी एक टूरिस्ट प्लेस है। नेक्स्ट है सांगला घाटी, पार्वती घाटी एंड किन्नौर घाटी। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी घाटियाँ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आप देखिए तो ये सारी घाटियां हैं: दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी एंड सोर घाटी। फूलों को घाटी पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, दून घाटी भी पूछी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इन अभी तीन स्टेट की बात हुई है कि यहाँ यहाँ कौन कौन सी घाटी हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो है थोड़े से जो माउंटेन वाले एरिया हैं वहाँ पर घाटियों की कुछ ज़्यादा ही संख्या है। तो हिमाचल प्रदेश में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी घाटियाँ हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में एक घाटी हमें दिख रही है, वो है यूथाल घाटी। ओके, यूथाल घाटी जो है वो सिक्किम में है, यूथाल घाटी। नेक्स्ट हम जो मूव करेंगे वो करेंगे कहाँ, ये जूकू घाटी की तरफ, जो कि नागालैंड में है। नागालैंड में कौन सी घाटी है? जूकू घाटी है। नेक्स्ट जो पश्चिम बंगाल में है वो नौरा घाटी है। नौरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो अराकू घाटी है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट तमिलनाडु में कंबम घाटी है और केरल में शांत घाटी है। तो शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ स्टेट पे जो मेन मेन घाटियाँ हैं उनको हमने यहाँ पे जो इंडिया का मैप है वहाँ पे डिस्कस किया कि कहाँ पर कौन सी घाटी स्थित है। इसी मैप में हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो रास्ता जाता है, आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आप अगर किसी रास्ते के थ्रू जा सकते हैं, अगर एयर का हम छोड़ दें तो जब भी हम ट्रेन, बस इससे जाएंगे, रोडवेज से कहीं से भी जाएंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पश्चिम बंगाल से, देखिए पश्चिम बंगाल से ही जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में बाया रोड जो है या बाया ट्रेन हम नॉर्थ ईस्ट में ही जा सक नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल से ही जा सकते हैं। तो सबसे ऊपरी जो पार्ट है, ये देखिए जो सबसे ऊपरी पार्ट है, तो ये यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजली हम समझ सकें उस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए ये सिक्किम जो है, सिक्किम सबसे ऊपर ही साइड में है। देन उसके बाद सिक्किम के बाद यहाँ पर आता है जो साइड साइड में है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर देखिए ये जो साइड साइड में है सीन, वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये साइड साइड में। उसके बाद जो यहाँ नेक्स्ट है वो ये अरुणाचल प्रदेश के बाद जो आता है, सबसे पहले नागालैंड आता है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मणिपुर आता है। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर है ये। नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड प्लेस है ये वाला, तो यहाँ पर आता है मिज़ोरम। ठीक है, यहाँ पर मिज़ोरम आता है। और यहाँ ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है त्रिपुरा का। ठीक है, और ये यहाँ पर जो पोर्शन है ये मेघालय है। और बीच का जो है ये असम है। ये जो पोर्शन है, ये जहाँ पर सर्कल बना रहे हैं, ये असम है। यहाँ पर ये असम हो गया। ठीक है, बीच का पोर्शन असम हो गया। तो इस तरीके से हम लाइन से लर्न कर सकते हैं कि सिक्किम तो सबसे अलग हो गया। ठीक है, इसीलिए इसे जो पहले कहते थे उसे कहते थे सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर। ये जो सिक्किम में थोड़ा सा अलग हो गया, इस वजह से इसको वन ब्रदर कहा गया। और बाकी जो यहाँ पे सेवन है, ये सारे देखिए आप एक ही साथ हैं, तो इसलिए ये सेवन सिस्टर्स हो गई। बट अभी जो है पीएम जी कह रहे हैं, पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि ये एट सिस्टर हैं। तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को एट सिस्टर का नाम दिया गया है। ये सिक्किम को भी इन्होंने यहाँ पर सिस्टर में ही इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये लाइन से याद रखिए, नागालैंड के बाद जो है वो आता है मणिपुर, देन मिजोरम। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ना मा मी। ना मीन्स नागालैंड, ना
मा मी, ठीक है, नमामि से आप लर्न कर सकते हैं कि ना मीन्स नागालैंड, मा मीन्स मिजोरम, मणिपुर, और मी मीन्स मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, उसके बाद यहाँ जो आ गया आपका ये त्रिपुरा वाला पोर्शन हो गया, और ये आपका मेघालय हो गया, बीच में असम हो गया, और साइड साइड में अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये आपका सिक्किम जो है ये अलग है ही है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।